अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर विल बी फाइन। तो वेलकम करता मैं अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज के लिए क्या करना है? कुकिंग। व्हाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एम फिल कर रहे थे कुछ स्टूडेंट यस्ट में, और उनकी एम फिल कम्प्लीट हो चुकी है, क्योंकि वो हमसे सीनियर थे, वो ऑलरेडी यहाँ 2 साल पहले आ चुके थे। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो। 2 साल पहले आ चुके थे और उनकी एम फिल कम्प्लीट हो गया, तो आज वापस जा रहे हैं। और वो स्कर्दू से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान। दो हैं उनमें से, आई थिंक एक जा रहे हैं। तो उन्होंने आज हमसे कहा कि वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं सडनली। हमने वैसे सोचा हुआ था पेपरों के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी साइकोलॉजी का आसान है और उनका भी आना हो गया अचानक। उन्होंने बताया, मैं तो सो रहा था, मुझे उठाया कि अभी उठो भाई, कुछ बनाना है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मीठा बनाना है, क्योंकि हमने फिर उसे फ्रिज में रखना होता है। तो आपको मीठा दिखाते हैं कि जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ हमेशा की तरह कस्टर्ड है हमारे मीठे में, ये लग ना जाए इस चीज़ को देखना होता है। ओके, तो कस्टर्ड बना रहे हैं और उसके साथ हम लोगों ने लिए हैं केक, फ्रूट केक। आपको पता है इसके बगैर तो कस्टर्ड अधूरी है। बाकी किशमिश वगैरह वो मैंने भिगो के रख दी है, वो भी काम है कि चीनी वगैरह ये हमने लिए। नॉर्मली हम लोग इतना मीठा बना नहीं रहे होते, चाय वगैरह बच्चे कहवा बनाते हैं। और ये है किचन, आज हमने थोड़ा बहुत गुजारा किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ कि कस्टर्ड में नॉर्मली हम लोग, मैं जो करता हूँ ना, यहाँ पे मैं बॉयल करने के लिए दूध को छोड़ देता हूँ, और फिर जितने मुझे ये कस्टर्ड बनानी होती है उतने मैं चम्मच, ये देखिए ये कस्टर्ड है जो ईरानी कस्टर्ड, उसको मैं इसमें डाल लेता हूँ। फिर गरम दूध इसमें डाल के उसको फिर यहाँ पे डिज़ोल्व करता हूँ। सोल्यूशन उसका जब बन जाता है तो उसको मैं फिर गर्म दूध में डाल देता हूँ, लेकिन मैंने बहुत हल्की आँच पर रखा हुआ है, क्योंकि हल्की आँच पर कस्टर्ड बनाने से बहुत मज़े की बनती है। फिर इसमें मैं ये डालूँगा और फिर किशमिश, एंड देन दैट्स इट। और मैं आपको दिखाऊंगा ओवरऑल कैसा आने वाला है। तो ये है गोभी और आलू बॉयल हो रहे हैं। मेरी रेसिपी ये, मैं आपको बताता चलूँ अपनी रेसिपी। चलो यहाँ से ये बन, उधर से ये, कि मैं आलू और गोभी को काट के उसको ना पहले बॉयल कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं मसाला वगैरह फिर अलग तैयार करके उसमें फिर डाल के जाता हूँ। फिर इस तरह मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और यहाँ सही तरीके से गल भी जाती है, और फिर मीन ये भी नहीं होता गली है यानी गली हो। फिर इससे ये है कि आपको वहाँ पे ऑयल भी कम लगता है, जैसे नॉर्मल लोग इकट्ठे बनाते हैं बगैर बॉयल की डायरेक्ट ऑयल में डाल लेते हैं, ऑयल भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी काफ़ी लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है खाना खाने। इस तरह बस आप लोग 5-10 मिनट यहाँ छोड़ दो, फिर वहाँ बना लो। इट्स वन ऑफ द गुड आइडिया, यू कैन यूज़ इट। ये देखिए मैं फ्रीजर में मैंने रख दिया है, और ये बोतलें हमने ली हुई हैं भाई। किचन का आज हमने थोड़ी बहुत सफाई की थी, देखना मना भाई डन। तो अब इसको निकालते हैं, तड़का लगाते हैं। ये भी हमारी कस्टर्ड बन चुकी है, इसका फाइनल लुक ये वैसा ही है जैसा हलियान की बर्थडे पे हमने किया था। और इधर ये भी बॉयल हो चुके हैं, अब इसको फ्रीज़र में ही रखते हैं। ये रहा हमारा फ्रीज़र,